यहाँ मैं इस फिल्म के बारे में मतलब क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने इतना गजब का दिमाग लगाया है ना कि यहाँ पर मैं बोल मतलब क्या बोलूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने बड़ा कमाल का दिमाग लगाया है। और वो क्या है कि अब उन्होंने एक घिसी पिटी और वही रूटीन स्टोरी जो कि ऑलरेडी आपने काफ़ी हॉरर थ्रिलर फिल्मों में देख रखा है, तो उनके पास शायद क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ था नहीं, तो उन्होंने बस वही घिसी पिटी स्टोरी उठाकर यहाँ पर छाप दिया। अब उनको ये बात अच्छे से पता थी कि ऑडियंस तो इसको देखेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट उसके बाद उब जाएगी, जो कि उनको अच्छे से पता था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया ना कि 30-40 मिनट के बाद फिल्म में एक ट्विस्ट डाल दिया, ये सोच के कि शायद उससे जो 30-40 मिनट वो झेलेंगे शुरुआत के, तो उसकी वजह से उस ट्विस्ट के वजह से शायद उनका मतलब फिल्म को देखने का नज़रिया बदल जाए या फिर फिल्म उनको अच्छी लगने लगे, वो फिल्म की तारीफ करें। पर वो जो ट्विस्ट, वो जो सरप्राइज हमें इस फिल्म के 30-40 मिनट झेलने के बाद देखने को मिलता है ना, वो इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है या फिर अनएक्सपेक्टेड नहीं है, या फिर हमको जो देखने को मिलता है उसको देखकर ऐसा आपको कुछ भी ऐसा क्लिक नहीं करेगा आपके दिमाग में कि आप बोलोगे कि मैंने कुछ अलग ऐसा कुछ देख लिया, या फिर मेरा जो नज़रिया था इस फिल्म को लेकर कि मैं फिल्म के बारे में ये सोच रहा था ऐसा वैसा, वो सब कुछ बदल गया है, या फिर फिल्म को अभी तक जो आप झेल रहे थे इस ट्विस्ट की वजह से फिल्म को देखने का नज़रिया आपका पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी जलवा इस फिल्म का नहीं होने वाला है। तो कुछ इस तरीके की ये फिल्म निकल कर आई है। और यहाँ पर मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि फिल्म की सबसे बड़ी कमी है जो कि फिल्म का बंटा धार कर देती है, वही फिल्म की स्टोरी, एकदम घिसी पिटी स्टोरी। कैसे, चलिए बताता हूँ, आप समझ ही जाओगे। तो यहाँ पर ये जो फिल्म है, क्या देखी मैंने फिल्म, वही तो मैं भूल गया, चलो छोड़ो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इस फिल्म की कहानी है एक घर की, जहाँ पर 30-40 साल पहले एक परिवार रहने आया था और उसी परिवार के एक सदस्य ने अपने परिवार के 6 लोगों को जान से मार दिया। और उसका ये मानना था कि ये सब उसने शैतान के वश में आकर किया, यानी कि शैतान ने उसे करवाया। अब 30-40 साल के बाद एक और परिवार वहां पर रहने आया है, अब आगे क्या होगा वो आप मूवी में देखिएगा। तो ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये सुना सुना देखा देखा कुछ लग रहा है ना, है ना, है ना, तो बिल्कुल वही बात तो है। तो यहाँ पर भी आपको इस मूवी में सेम वही चीज़ें देखने को मिलती है जो कि ऑलरेडी आपने काफ़ी सारी हॉरर थ्रिलर फिल्मों में देख रखा होगा और उनमें से शायद काफ़ी आपके पर्सनल फेवरेट भी रहे होंगे। तो ये फिल्म उससे ज़्यादा कुछ खास तो आपको प्रोवाइड नहीं करती है और फिल्म में उतना दम भी नहीं है कि मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड कर पाऊँ। और यहाँ पर ये फिल्म बीच बीच में थोड़ी सी ढीली ढाली सी भी लगती है, तो ये उस वजह से भी थोड़ा डिसअपॉइंट तो करती ही करती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ ना, तो जिनको हॉरर थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है और जो मैंने आपको अभी तक डिटेल दिया है उससे अगर आपने थोड़ा भी अंदाज़ा लगा लिया है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये फिल्म आपके देखने लायक की नहीं है, आपको ये फिल्म नहीं देखना चाहिए, आपको फिल्म को देखकर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही मैं दूसरी और बात करूँ जिनको बस टाइम पास करने के लिए एक मूवी देखनी है या फिर उनको बस एक हॉरर थ्रिलर फिल्म इंजॉय करना है ऐसे ही एवं, तो ये फिल्म उनके लिए है, वो इस फिल्म को देख सकते हैं। क्योंकि जो मैंने ट्विस्ट का जिक्र किया था ना, उसके बाद ये फिल्म कुछ हद तक इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको लगेगा कि हाँ फिल्म जो है वो मज़ेदार है, फिल्म देखने में मज़ा आया, मतलब इस टाइप का एक्सपीरियंस आपका होगा, मतलब वही मिक्स्ड सा एक्सपीरियंस, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा ना ही बहुत ज़्यादा घटिया, मतलब ओके ओके टाइप। या तो देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो दूर रहो, देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके की फिल्म निकल कर आती है। तो उसी वजह से मैं यही बोलूंगा कि जो इस टाइप की फिल्में ज्यादा देखते हैं या फिर देख चुके हैं, तो ये फिल्म उनके लिए नहीं है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, अब दूर रहो इस फिल्म से। या फिर जो देखना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ उम्मीद मत करना। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि फिल्म की कमियां क्या है, उसके बाद भी अगर आप देखने की सोच रहे हो तो मर्जी आपकी है, लेकिन हाँ फिल्म आपका अच्छा खासा टाइम पास कर देगी। फिल्म इतनी अच्छी तो है ही है शायद से, क्या पता आपको पसंद ना आए, फिर आप कमेंट में गालिया दो, वो बात अलग है। बाकी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, तो देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, चाहो तो देखो या फिर मेरी सलाह के बाद नहीं देखना है तुम ना देखो, जोहार।